बरेली से एक्सीडेंट की चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बस ड्राइविंग सीख रहे रोडवेज चालक के बेटे ने सिक्योरिटी गार्ड को रौंद दिया है। जानकारी के अनुसार रोडवेज बस चालक के बेटे ने बस ड्राइविंग सीखने के दौरान वर्कशॉप में तैनात प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को रौंद दिया, जिससे सिक्योरिटी गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बस चालक और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। बरेली वर्कशॉप में एक डक चालक के द्वारा बस को सेंटिंग करते हुए, क्योंकि डक चालक होते जो बसों को धुला के साइड में सफाई करके साइड में लगाते हैं, इसी दौरान जब वो रात में लगा रहा था तो गलती से उससे एक गार्ड साइड में आ गया, जिसके कारण से उसको चोट लग गई और उसका देहांत हो गया। कल थाना क्षेत्र बारादरी में सेटेलाइट पर एक वर्कशॉप है रोडवेज की, वहाँ पे रात को 10:30 का सूचना मिली थी कंट्रोल पे कि बस के कुचलने से जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जो व्यक्ति है उसका नाम अशोक कुमार सक्सेना है, जो डेला पीर के रहने वाले हैं, कोड़ा पीर के रहने वाले हैं, और यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के तहत पर काम कर रहे थे। और इसमें जो अक्यूज़ हैं वो सरकारी चालक हैं, उनका नाम है सुरेश पाल सिंह, और ये पाया गया है कि उनका लड़का जो है मोहित कुमार, वो कल जो है ड्राइव कर रहा था और उनसे जो है एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है गार्ड की। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शशांक जुड़ चुके हैं। शशांक, कैसे ये हादसा हुआ? फिलहाल इस पूरे हादसे को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है? उधर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देर रात की घटना है, जहां रोडवेज बस चालक के बेटे ने बस को शिफ्ट करने के दौरान सिक्योरिटी गार्ड को रौंद दिया। इसमें पुलिस ने बाप बेटों को दोनों को बंद करके FIR दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई करी जा रही है। शशांक, अगर बात की जाए इस पूरे हादसे को लेकर, तो क्या कोई भी व्यक्ति ऐसे ही किसी भी सरकारी बस में, रोडवेज बस में ऐसे ही ड्राइविंग सीख सकता है क्या? किसके लिए कोई नियम कायदे होते हैं? इस मामले में क्षेत्रीय प्रबंधक ने ये बताया कि जो परिचालक था वो क्या कहते हैं, अपने बेटे को उन्होंने शिफ्टिंग के लिए रख रखा था वहां पे, और उसकी कहीं से भी कोई अथॉरिटी नहीं थी उस मामले में, तो आगे की कार्रवाई करके उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। शशांक, अगर बात करें तो जो चालक है जिसके चलते ये दुर्घटना घटी है, फिलहाल उसकी उम्र क्या बताई जा रही है? चालक की उम्र ये मान के बताई जा रही है कि 25 से 26 साल की उम्र का वो उनका लड़का है, और इस वक्त वो क्या कहते हैं पुलिस की कस्टडी में है। जी शशांक, धन्यवाद आपको इस पर जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि रोडवेज बस में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है, जहां एक कर्मचारी के बेटे ने बस से एक सिक्योरिटी गार्ड पर अपनी जो बस है वो चढ़ा दी, जिसके चलते घटनास्थल पर ही सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है।